हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो मैं हूं नेहा और आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूं मोदक की रेसिपी जो हम पप्पा के भोग के लिए बना रहे हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, क्योंकि हम यहां पर मैदे का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रसाद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हेल्दी बनाए प्रसाद को, मैदा ज़्यादा अच्छा नहीं होता अपने हेल्थ के लिए, इसलिए मैंने मैदा यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, ओनली गेहूँ के आटे का ही यूज़ किया है। तो इसका हम एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, ना ही ज़्यादा टफ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम लगाना है। तो इसको इस तरह से हमको मीडियम डो लगा लेना है। और अभी हम इसको रख लेते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए, तब तक हम इसका स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम और कुछ इलायची का पाउडर लिया है और थोड़े से सीसम सीड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डेजिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है, आप चाहे तो नारियल को भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पर डेजिकेटेड कोकोनट लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर तेल या फिर घी का यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैंने तेल ऐड किया है और उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया सबसे पहले सिसमे सीड, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद में यहाँ पर हम जो 2 कप हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया था वो हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर मैंने देसी वाला जैगरी लिया है, तो जैगरी हम थोड़ा सा बारीक करके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 कप कोकोनट का डेजिकेटेड कोकोनट लिया था, तो यहाँ पर मैं 1 कप जैगरी यूज़ कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, इस तरह से हमें इसे मेल्ट करना है और अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करते हुए हमें इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही चलाना है। उसके बाद में ये पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे के बाद इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और लास्ट में ही ड्राई फ्रूट्स हमें ऐड करने हैं, जिससे इसमें थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर आना चाहिए। तो ये देखिए गाइस, स्टफिंग रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी हमारी स्टफिंग यहाँ बनकर रेडी हुई है और हमारा आटा भी यहाँ पर बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे या आप चाहे तो बड़ी सी एक चपाती बेल के रेडी कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटी होना चाहिए ना ही पतली। तो इस तरह की आपके पास अगर बाउल हो, कटोरी हो, उससे आप इस तरह के ऐसे राउंड राउंड शेप में इसे कट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर छोटे छोटे बॉल्स बना के बेलने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी होता है इसलिए मैंने ये वाला ट्रिक यूज़ किया है, आप चाहे तो वो वाला ट्रिक यूज़ कीजिए। तो इस तरह के आपके एक रोटी के 4 राउंड बन जाते हैं, 4 सर्कल बन जाते हैं। तो इसके हमें सारे मोदक रेडी कर लेने हैं। तो गाइस ये देखिए हमारे मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख देंगे और उसमें तेल, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो गाइस एक बात याद रखना कि इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना फ्राई करें, मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। तो अभी हमें यहाँ पर जितने भी हमारे पैन में जितने भी मोदक आते हैं वो उतने हमें ऐड कर देने हैं और लो से मीडियम हीट पर ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन होते तक चारों तरफ से ऐसे फ्राई करना है, पलटते रहना है थोड़े थोड़े देर में। तो ये देखिए गाइस, हमारे जो मोदक है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। तो पलटते ही रहना है, नहीं तो ये एक तरह से ही ऐसे जलने लगते हैं। और हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर करते हैं तो ये ऊपर से तो रेड हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये पक चुका है लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाता है, इसीलिए मीडियम से लो फ्लेम पर ही करें। तो ये देखिए हमारे सारे मोदक जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा ना करें नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। गाइस वैसे तो कई टाइप के मोदक बनते हैं, लेकिन फ्राइड मोदक का क्या है कि आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे मोदक ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मोदक रेडी। और कैसी लगी आपको ये पप्पा के भोग की प्रसाद मोदक की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।